तो मेज़रमेंट में हम आज बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली आपका पूछा जाता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसका एग्जाम्पल है बेसिकली एग्जाम्पल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं ठीक है वो मैं बता दूंगी खैर जैसे टॉपिक टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तो किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो लेट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट हो चुका है ठीक है अरे यहाँ तो बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं ऑलरेडी तो देखते हैं तो कैसे आप सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कैसे आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से और सभी लोग प्रेजेंट हो जाइए और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ओके जल्दी से प्रेजेंट हो जाइए और फिर आपकी क्लास को हम आगे बढ़ाते ठीक है मैं बहुत बढ़िया हूँ आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट करके बता दीजिए भाई पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी लोग की आ, कुमार महेश कुमार महेश जी इलेक्ट्रिकल का जो मेजरमेंट है उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम लोग यहाँ पर ई का सिलेबस कवर करेंगे हालांकि मेज़रमेंट में इलेक्ट्रिकल में कुछ टॉपिक कॉमन है ऐसा नहीं है कि पूरा ही सिलेबस डिफरेंट है बट कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल के ऐसे हैं जो ई में नहीं है तो यहाँ पर हम बेसिकली ई में जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल के जो कॉमन पॉइंट्स कॉमन टॉपिक है हम वो कवर करेंगे बट जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो नहीं करेंगे यहाँ पर बेसिकली हम लोग ई का सिलेबस को कवर करेंगे ठीक है चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सबसे पहले बात आती है जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ही है मेजरमेंट तो व्हाट इज मेजरमेंट हाउ कैन यू डिफाइन मेजरमेंट तो मेजरमेंट और कुछ नहीं होता है मेजरमेंट जस्ट आपका होता है मेजरमेंट कैन यू कैन डिफाइन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड अन वैल्यू ठीक है आप एक स्टैंडर्ड को और एक अनोन वैल्यू को कंपेरिजन करते हो उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट किसी अननोन को आप स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर दीजिए दिस इज योर आपका मेजरमेंट स्टैंडर्ड क्या हुआ जैसे आप वन के का रख देते हैं दस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वन के उसके सामने आप जिसको भी मेजर कर रहे हैं वन के के लिए उसको मेजर कर दीजिए तो वो आप हो गई आपकी अननोन वैल्यू तो इन दोनों का कंपेरिजन ही क्या है आपका मेजरमेंट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट बताते हैं अब इंस्ट्रूमेंट होता है इट इज अ डिवाइस विच अलाउज कंपैरिजन जो हमारा कंपैरिजन करने देता है जो अलाउ करता है कंपैरिजन इन शॉर्ट वी कैन से कि जो आपका कंपैरिजन करता है दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट तो सिंपल सी डेफिनेशन इट इज अ डिवाइस विच अलाउज कंपेरिजन इट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके इंस्ट्रूमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है दैट इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है एप्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट सात इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसका आउटपुट आपका फिजिकल के के रूप में आता है फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंस्ट्रूमेंट का काट है उसके टर्म्स में आपका आउटपुट आएगा ठीक है दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट उसमें क्या है आउटपुट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर जो पैरामीटर मेजर किया जा रहा है उसी टर्म में ही आपका आउटपुट आएगा ठीक है अब है दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ मैंशन किया मूविंग पार्ट्स डिक्रीजेज दैट इज़ वाई एक्यूरेसी इनक्रीजेज जब भी आपके जितने मूविंग पार्ट्स होते किसी भी डिवाइस में उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होती जाती है तो यहाँ पर जो आपके मूविंग पार्ट्स हैं मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं इन द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है ऑब्वियसली जितने मूविंग पार्ट होंगे उसमें एरर आने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं तो जिसकी वजह से आपकी एयर एक्यूरेसी कम हो जाती है तो लेकिन यहाँ पर आपके मूविंग पार्ट क्या है बहुत कम है दैट इज वाई एक्यूरेसी इनक्रीजेज थर्ड पॉइंट है इट इज यूज एज स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को ही आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से मूविंग पार्ट नेक्स्ट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं आउटपुट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर जस्ट आई साइड इट तो नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है जिसकी वजह से अभी मैंने जस्ट बताया था मूविंग पार्ट ज्यादा होते हैं तो एरर आ जाती है आपकी तो यहां पर जब मूविंग पार्ट आपके ज्यादा होंगे देन एक्यूरेसी विल डिक्रीज एक्यूरेसी कम हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर डे टू डे मेजरमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर डे टू डे मेजरमेंट के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे एब्सोल्यूट और सेकेंडरी तो आप डे टू डे के लिए कौन से यूज करेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज एनालॉग एंड सेकेंड इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यहां जैसे मैंने मैंशन किया है एनालॉग एंड डिजिटल एनालॉग अभी हम एनालॉग एंड डिजिटल पढ़ेंगे बट एनोलॉग को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एज डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड नल डिफ्लेक्शन इनको भी हम अभी पढ़ेंगे सेपरेटली उसके बाद आपके डिफ्लेक्शन में भी तीन पार्ट हैं ठीक है ठीके? यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए जस्ट मैंने लिखा नहीं हम आगे पढ़ते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन में भी आपके थ्री पार्ट्स हैं दैट इज़ इंडिकेटिंग इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग और ये तीनों पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हो गया आपका डिफ्लेक्शन हाँ, अब हम पढ़ते हैं इसमें एनालॉग एंड डिजिटल अब याद रखिए हम सेकेंडरी स्टार्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट का पार्ट खत्म हो चुका है एब्सोल्यूट में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मूविंग पार्ट्स इंक्रीजेस और ये है आपके स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट और आउटपुट जो आता है वो इंस्ट्रूमेंट के कॉन्स्टेंट के टर्म में आता है इसमें डायरेक्टली जो मेजर किया जा रहा है उसी पैरामीटर के पे ही आपको आउटपुट मिल जाता है डायरेक्टली ठीक है तो दिस इज योर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तो सेकेंडरी में हमने अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच आपका जो आउटपुट होता है वो वेरीज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जिसमें आपका आउटपुट कंटिन्यूसली इनपुट के साथ वेरी करता है दिस इज़ योर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जैसे एनालॉग सिग्नल होता है सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही है जैसे एनालॉग सिग्नल क्या करता है आउटपुट के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है तो सिमिलरली जो इंस्ट्रूमेंट आपका ये प्रोवाइड कर रहा है जिसका, जिस इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट आपका कंटिनुअसली चेंज हो रहा है इनपुट के साथ दिस इज योर एनालॉग आउट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो वो हुए आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी मैं इंस्ट्रूमेंट एनलॉग इंस्ट्रूमेंट आट द इंस्ट्रूमेंट वे आउटपुट वेरीज कंटिन्यूसली कंटिनुअसली विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इनपुट के साथ वो कंटिन्यूसली वेरी करते हैं यहां पर क्या करेंगे डिस्क्रीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आट द इंस्ट्रूमेंट हुउटपुट इज डिस्क्रीटली वैरी विद द इनपुट जिसका आउटपुट डिस्क्रीटली वेरी करता है इनपुट के साथ डिजिटल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट अब बात आती है आप आप एंड ओके कमेंट पढ़ लेते हैं थोड़े से आ, कुमार महेश जी मूविंग कॉल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी जस्ट इंट्रो कर रहे हैं सभी इंस्ट्रूमेंट का कि कौन किस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्लासिफिकेशन जान रहे हैं क्लासिफिकेशन के बाद देखेंगे कौन किसका एग्जाम्पल है क्या आ, किस में आगे आता जाएगा ठीक है तो जस्ट पढ़ते रहिए आपको समझ आ जाएगा ठीक है uh, सिद्धार्थ जी इज दिस हेल्पफुल फॉर इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बच्चे सिद्धार्थ दास जी आपके मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं कहूँगी कि ये पूरा लेक्चर आप मतलब पूरे जो जितना भी आपका ये सिलेबस है मेजरमेंट का वो मैं पूरा नहीं कहूँगी कि आपके लिए हेल्पफुल है बट कुछ टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रिकल के इसमें कॉमन है तो जो टॉपिक्स कॉमन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू जो नहीं है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू तो आप उन टॉपिक्स को अलग से पढ़िए ठीक है तो जो कॉमन टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं तो आप उसमें से देख लीजिए आपका कौन कौन सा टॉपिक है डेली आपका उस पर आ जाता है थम पे टॉपिक तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं आपका टॉपिक है तो ठीक है ओके ठीक okay. है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को हमने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया दैट इज डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग या फिर कहीं डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नल डिफ्लेक्शन एंड नल डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग नाम से समझ आ रहा है deflecting, deflection show करेगा ठीक है तो कौन आपका करता करता है है ये को को कैसे कैसे डिनोट करेगा ये डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम जीरो जब इसे एंड करना होगा मेजरमेंट कैसे करेगा डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम जीरो अवे फ्रॉम जीरो जब इसे अपना मेजरमेंट को एंड करना होगा तो क्या करेगा ये डिफ्लेक्शन करेगा अवे फ्रॉम जीरो स्केल है तो ये जो पॉइंटर है ये किधर चलेगा यहाँ पे अगर जीरो है तो अवे फ्रॉम जीरो जीरो से अवे चलेगा ठीक है अगर मैं नल डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन इट मीन जीरोक्शन ठीक है तो नल डिफ्लेक्शन क्या है इसमें देखते एंड ऑफ मेजरमेंट क्या करेगा चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अंदाजा लग रहा है या फिर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ मेजरमेंट एंड ऑफ मेजरमेंट एंड ऑफ मेजरमेंट कैसा करता है विद नल विद नल डिफ्लेक्शन और जीरो एंड ऑफ मेजरमेंट कैसे करता है और जीरो या तो जीरो या फिर null deflection. दोनों एक ही बात है, है? ठीक तो इसका example हम ले सकते हैं, like आपका स्टोन ब्रिज होता है ठीक है ये होता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे मैंने बना दिया व्हीट स्टोन ब्रिज एज इज यहाँ गलोमीटर लगा दिया तो ये अगर P, Q, R और S, है तो सॉरी ये कट गया है ये बनाया मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज ये बीच में बन गया तो bridge में अगर हम देखें तो क्या होता है आपका अगर पी अपन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस तो अब आपका क्या होता है p upon q equals to r upon s अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वी नो दैट कि गैल्नोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा हमें पता है कि यहां पर कोई करंट नहीं फ्लो होगा और हम एज एट इज सॉल्व कर लेते हैं कब से पढ़ते आ रहे तो सभी को पता होगा थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो गैलोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करता है ठीक है तो वही चीज है आपका नल डिफ्लेक्शन कि जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपका क्या शो हुआ नल डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन आपका रिजल्ट में क्या आ गया जीरो आ गया तो, तो दिस इज योर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नल डिफ्लेक्शन तो नल डिफ्लेक्शन का ये एग्जाम्पल था ठीक है तो इसका एग्जाम्पल अब हम लिख सकते हैं कि आप कहां पर आप ये डिफ्लेक्शन देखेंगे नल डिफ्लेक्शन पर आप देखेंगे आप देखेंगे एग्जाम्पल है इसका ए सी एंड डीसी ब्रिजेस जितने भी ब्रिजेस हैं उसमें आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं नल डिफ्लेक्शन का नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेकेंड एग्जाम्पल पोटेंशियोमीटर पोटेंशियो Meter. याद रखिएगा इनके जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनके एग्जाम्पल एज याद रखिएगा कि नल डिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या है एसी एंड डीसी ब्रिजेस पोटेंशियोमीटर ठीक है और इसका हम अभी देखेंगे. के अभी हम पढ़ेंगे. तो अब आता है आपका और एक चीज और डिफ्लेक्शन आपका लेस एक्यूरेट रहेगा लेस एक्यूरेट ये आपका मोर एक्यूरेट ट Why? ऑब्वियसली Why जब आपके वीट स्टोन ब्रिज में जब हम देखेंगे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो डेफिनेटली आपका वहां पे जीरो ही आएगा तो एक्यूरेट है आपका लेकिन इसमें क्या है आपका अगर पॉइंटर है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रीडिंग इधर उधर जा सकती है तो हो गया लेस एक्यूरेट बहुत आसान है आपके इसके डायग्राम से इसके एग्जाम्पल से ही आप याद रख सकते हैं विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड विच वन इज लेस एक्यूरेट ठीक है तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए चलिए तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ याद रखिए एनालॉग के पार्ट्स थे आपके डिफ्लेक्शन एंड नल डिफ्लेक्शन ठीक है अब हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन के पार्ट नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्टिंग 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 इंस्ट्रूमेंट को हमने अब थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया दैट इज फर्स्ट इज इंडिकेटिंग सेकेंड इज इंटीग्रेटिंग थर्ड इज रिकॉर्डिंग फर्स्ट है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट सेकेंड इज इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड फोर्थ इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया इंडिकेटिंग नाम से समझ आ रहा है इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पैरामीटर इंडिकेट कर रही है तो इंडिकेट क्या करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंडिकेट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पैरामीटर इंडिकेटिंग ठीक है इंडिकेट कर रहा है तो आप जब एमीटर में एमीटर में रीडिंग लगाते हैं एमिटर वोल्टमीटर आपने यूज किए होंगे तो जब लैब्स में आपने एमीटर और वोल्ट मीटर यूज किए थे तो क्या होता है आपने जैसे जैसे एमीटर क्या करता है बेसिकली करंट को मेजर करता है क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर तो एमीटर का फंक्शन क्या है टू मेजर द करंट ठीक है अब इंडिकेटिंग का एग्जाम्पल है हमारा एमीटर वोल्ट मीटर एमीटर एंड वोल्ट मीटर अब एमीटर में आपका क्या होता है एमीटर में जब आप करंट पेजा करते हैं आपने करंट सप्लाई किया तो जैसे जैसे करंट बढ़ता है पॉइंटर का मूव होने लगता है करंट बढ़ता जाता है पॉइंटर बढ़ता जाता है ठीक है तो वही के क्या है आपका जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आपका इंस्टेंट इंस्टेंट वैल्यू देता रहेगा करंट बढ़ता जाएगा पॉइंटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी करंट कम होता जाएगा पॉइंटर की वैल्यू कम होती जाएगी सिमिलरली वही चीज मैंने लिखी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिएगा ठीक है इंस्टेंटेनियस इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पैरामीटर जो पैरामीटर आप मेजर कर रहे हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये प्रोवाइड करता है ठीक है इंटीग्रेशन मतलब हमने पढ़े हैं ठीक है इंटीग्रेशन बहुत बार हमने पढ़ा है और इंटीग्रेशन जनरल इंग्लिश में भी क्या मतलब होता है जोड़ना ठीक है टू सम तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है जो इंटीग्रेट करता है आपकी वैल्यूज को कैसे इंटीग्रेट करेगा इट गिव्स द सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इट गिव्स सम टोटल ऑफ गिव्स सम टोटल ऑफ इट गिव्स सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यह आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का सम टोटल देता है एग्जाम्पल बता सकते हैं कहां पर आपने एग्जाम्पल देखा है बहुत जगह देखा है हर किसी ने देखा होगा इसका एग्जाम्पल निकिता कुमावच्ची वाई नल डिफ्लेक्शन इज मोर एक्यूरेट आप खुद देखें निकिता जी कि आपने नल डिफ्लेक्शन में क्या किया था तब तक आप कमेंट करके जो सभी लोग इंटीग्रेटिंग का एग्जाम्पल बताइए और तब तक जिसको ये नल डिफ्लेक्शन में डाउट है वो सुन सकता है नल डिफ्लेक्शन इसलिए मैंने आपको एक्यूरेट बताया क्यों क्योंकि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है व्हीट स्टोन की तो क्या हो रहा है आपका ऑब्वियसली डेफिनेटली आपका वहां पर जीरो आएगा तो क्या हो गया एक्यूरेट है कि वहां पर ज़ीरो आपका श्योर है एक्यूरेट वैल्यू है दैट इज़ जीरो जीरो के अलावा कुछ नहीं ठीक है लेकिन बट आपके दूसरे केस में क्या हो रहा था आपका वैल्यूज आपका पॉइंटर है पॉइंटर कुछ भी रीडिंग दे सकता है आपका एरर आ सकते लेस एक्यूरेट है ठीक है तो दैट इज़ मैन नल डिफ्लेक्शन इज मोर एक्यूरेट ठीक है तो हमें आ चुका है एनर्जी मीटर ठीक है आ, बहुत डिफिकल्ट नाम है मन डाडी ओके सॉरी अगर मैं आपका नाम प्रोनाउंस गलत कर रही हूं क्योंकि आपका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आई एम सॉरी मन डाडी जी आपका जो कमेंट है बिल्कुल सही है दैट इज एनर्जी मीटर और नेहा जी का भी आंसर सही है दैट इज एनर्जी मीटर ठीक है भूषण जी का आंसर रजिस्टर वोल्टेज नहीं यह आंसर गलत है इंटीग्रेटिंग इंडक्शन मीटर तो चलिए देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग मतलब सम अप करके वैल्यू देगा तो कहाँ पे हमने देखा इसे सबसे ज्यादा घरों में अपने हर घर में हमने देखा है कहाँ मीटर जो हमारे घर में लगे हैं दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे आपका जो मीटर है जो घर में लगा है वो क्या करता है कि आपके जितनी भी रीडिंग है उसको समअप करता है ऐसे नहीं कि डेली के डेली आप यूनिट को चेक करते हैं ऐसा तो नहीं करता है ना उस डेली का डेली बिल नहीं आता है आपका आपका क्या होता है जैसे आपकी पहली तारीख से फर्स्ट जो कोई भी डेट है आपकी उससे डेली आपका हर महीने समअप होता रहता है डेली के डेली आपकी वैल्यू समअप होती रहती है और फिर मंथ के एंड में आपका बिल आपके घर आ जाता है तो क्या वो इंटीग्रेट हुई ना वैल्यूज तो इंटीग्रेट हुई सम हुई आपकी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर तो वो जो है वो आपका एग्जाम्पल है मीटर आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का ठीक है तो इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल हुआ एनर्जी मीटर एनर्जी मीटर एंड समिंग वॉट मीटर समिंग मीटर दिस इज द एक्साम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग नाम से समझ आ रहा है हर चीज हमें नाम से बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है तो नाम ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है क्वेश्चन में ठीक है जैसे हमें इंडिकेट समझ आ गया कि इंडिकेट कर रहा है वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो गिवेन है वही आपकी शो करेगी इंटीग्रेटिंग में नाम से समझ आ गया कि आपका सम टोटल जो है इंटीग्रेट करेगा वैल्यू और फिर आपका प्रोवाइड करेगा वैल्यू रिकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू आपकी पास्ट में है इट गिव्स द इट मेंटेन्स द कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट वैल्यू तो जो इंस्ट्रूमेंट आपका रिकॉर्ड रखेगा पास्ट वैल्यू का दैट इज नॉन एज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इट मेक्स इट मेक्स इट मेंटेन्स इट मेंटेन्स दी कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ इट मेंटेन्स द दंटिन्यूस रिकॉर्ड किसका कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखेगा ऑब्वियसली पास्ट मेजरमेंट का जो आपने पास्ट में मेजरमेंट किया है उसका ये रिकॉर्ड रखेगा मेजरमेंट लिखाइए ठीक है तो ये है पास्ट मेजरमेंट इसके एग्जांपल रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको दिया होगा एमीटर पूछा जाएगा आपका कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इंडिकेटिंग इंटीग्रेटिंग या रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दी अबव तो आपको आपको डिवाइस के नाम दिए होंगे और जनरली आपके यही डिवाइसेस दिए जाते हैं जो मैंने आपके एग्जाम्पल में लिखे हैं। क्योंकि सब प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और वही मैंने प्रीवियस ईयर का आपका यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा है ठीक है तो वही चीज़ें हैं आपकी जहाँ पर क्योंकि आपका जो जेई का पेपर है मैंने हमेशा बताया आपको कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आपका प्रीवियस ईयर ही आता है उससे अलग कुछ नहीं आता है तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी आप देख लें तो वही चीज़ें हैं आपकी जो आने वाली है तो एमीटर ऐसे कुछ भी आ सकता है आपका समिंग वॉट मीटर दे दें तो पूछेगा कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं असेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट असेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग फर्स्ट वाला था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट असेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ा टेढ़ा हो गया है सीधा कर देते हैं टिंग इंस्ट्रूमेंट अभी भी तेड़ा ही है कोई बात नहीं चलिए तो असेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है अजय मानस जी कह रहे एक बात पूछनी थी जी बिल्कुल अजय मानस जी आप बात पूछिए क्या पूछना चाहते हैं बिल्कुल कमेंट करिए आप क्या पूछना चाहते हैं ठीक है तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटिंग ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या आप मेजरमेंट के लिए बेसिकली जब आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो यू रिक्वायर थ्री टाइप्स ऑफ टॉक आपको तीन टाइप की टॉक्स की नीड पड़ती है फर्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ टॉक हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट इज डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सेकेंड इज कंट्रोलिंग टॉक

ये जो है आपका डैपिंग टॉक बहुत ही बार ज्यादा पूछा गया है ठीक है तो इसको याद रखिएगा ध्यान से सुनिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉक जब आपका कोई पॉइंटर मूव हो रहा है ठीक है डिफ्लेक्टिंग टॉक बेसिकली होता क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉक इज टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर अवे फ्रॉम जीरो तो जो आपका अवे फ्रॉम जीरो करेगा दिस इज योर डिफ्लेक्टिंग टॉक डिफ्लेक्ट द पॉइंटर इट डिफ्लेक्ट द पॉइंटर अवे फ्रॉम जीरो अवे फ्रॉम जीरो तो बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टॉक क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा किसको डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा अवे फ्रॉम जीरो तो अगर आपका ये स्केल है स्केल दिखाई दे रहा है तो ये जो है आपकी इस तरफ अवे अगर यहां पर जीरो है तो इस तरीके से आपका पॉइंटर को मूव करेगा दैट इज अवे फ्रॉम जीरो ठीक है तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉक तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉक के रीजन से हो रहा है कंट्रोलिंग टॉक क्या है अब कंट्रोलिंग टॉक के आपके बेसिकली दो काम है ठीक है क्या इट ब्रिंग्स द पॉइंटर एट ब्रिंग्स द पॉइंटर एट स्टेट एट स्टीडी एट स्टीडी स्टेट पोजिशन फर्स्ट सेकेंड पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कंट्रोलिंग टॉक अब आपकी क्या होती है डिफ्लेक्टिंग टॉक तो आपको पता है डिफ्लेक्टिंग टॉक क्या हुई इट डिफ्लेक्ट द पॉइंटर अवे फ्रॉम जीरो तो जब जीरो पे पहुंच गया तो वहां रुकना भी तो चाहिए जितनी रीडिंग है तो कहां पर अगर कोई डायरेक्शन में इक्वली लग जाए यहां पर कोई फोर्स ऐसी लग जाए टॉर्क ऐसा लग जाए जो टीडी हो देस पॉइंटर विट पोजिशन आपका पॉइंटर वहां पर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स इक्वली लग रही है तो जब दोनों फोर्स इधर से इक्वल लग रही इधर से इक्वल लग रही तो स्टेट पर आ जाएगा तो दिस इज़ योर स्टीडी स्टेट वन टीडीसी तो यहां पर क्या है? क्या करते हैं क्या करता है पे ले आता है कैसे वेन टी डी टू टीसी नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है इट ब्रिंग्स द पॉइंटर एट ब्रिंग्स द 8 ब्रिंग्स द पॉइंटर ये क्या करता है ये पॉइंटर को ले आता है कहां पर बैक टू द जीरो पोजीशन बैक टू जीरो पोजीशन अगर आपने क्या किया जो आप मेजरमेंट कर रहे थे पैरामीटर का उसको अगर आपने रिमूव कर दिया लाइक like आपका एमिटर ठीक है तो आपने क्या किया एमिटर में आपने करंट लगा रखा था उसको मेजर कर रहे थे तो करंट आपका पैरामीटर हुआ तो आपने उस पैरामीटर को रिमूव कर दिया अब आपने एमिटर से करंट हटा दिया तो अब आपका जो पॉइंटर था वो बैक टू द जीरो पोजीशन आना चाहिए था ठीक है तो वो जो पॉइंटर है आपका जीरो पोजीशन पे कैसे आएगा जब इधर से फोर्स लगेगा ऑपोजिट तभी तो आपका बैक टू द जीरो पोजिशन आएगा तो दैट इज बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग टॉक जो पॉइंटर वापस जीरो पोजिशन पे आ जाता है दैट इज योर कंट्रोलिंग टॉक इट तो बेसिकली आपके दो काम हुए पॉइंटर को स्टीडी स्टेट पे लाना स्टीडी स्टेट पे कैसे लाएगा जब टी डी प्लस टू तो टी सी हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्या हो जाए इट ब्रिंक्स द पॉइंटर बैक टू द जीरो पोजिशन और आपका जीरो पोजिशन पे बैक दोबारा से पॉइंटर यहां ना के, अब वापस से जीरो पोजिशन पे आ जाए तो दिस इज ऑल्सो डन बाय द कंट्रोलिंग टॉक तो ये है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क ठीक है कंट्रोलिंग टॉक में किसी को आपका डाउट चलिए अब आपके कंट्रोलिंग टॉक आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक तो है ठीक है हमने पैरामीटर लगाया डिफ्लेक्शन मिल गया लेकिन आपका कंट्रोलिंग आपको कैसे आप कंट्रोल कैसे कर सकते किसी चीज को दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वही आप दो चीजें पढ़ेंगे आप कंट्रोलिंग टॉक में देखते हैं हम क्या क्या तो कंट्रोल कंट्रोलिंग टॉक में हम पढ़ेंगे कंट्रोल मकानिज्म कंट्रोल मकैनिज्म इन कंट्रोल मकैनिज्मी स्टडी अबाउट टू थिंग्स तो हम क्या पढ़ेंगे दो चीजें पढ़ेंगे दैट इज दो टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हैं आप दो तरीके से कंट्रोलिंग टॉक लगा सकते हैं इन शॉर्ट वीकेंड से कि आप कंट्रोल मकैनिज्म कैसे करेंगे या फिर आप कंट्रोलिंग टॉक कैसे प्रोवाइड करेंगे इंस्ट्रूमेंट में तो so, दो तरीके से आप कर सकते हैं फर्स्ट इज ग्रेविटी कंट्रोल मकैनिज्म ग्रेविटी कंट्रोल मकैनिज्म सेकेंड पॉइंट इज स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेविटी कंट्रोल एंड स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आपका ग्रेविटी कंट्रोल ग्रेविटी कंट्रोल आप कंट्रोल मकैनिज्म कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज डन बाय टू मैथज दैट इज ग्रेविटी कंट्रोल मकानिज एंड सेकंड इज स्प्रिंग कंट्रोल मकैनिज्म आप दो तरीके से आप कंट्रोल मकैनिस प्रोवाइड कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं आपका ग्रेविटी कंट्रोल मकैनिज्म ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म तो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म यहां है आपका एक कंट्रोल वेट आपका क्या है कंट्रोल वेट इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैलेंस वेट से यह है आपका बैलेंस वेट कंट्रोल वेट बैलेंस वेट अब हमने इस कंट्रोल वेट को क्या किया इस तरीके से ऊपर ले गए इसे मूव करा के ऊपर ले गए ठीक है ये मूव किया कंट्रोल वेट यहां पहुंच गया ये रहा यहां पर क्या लगा होगा आपका टी डी दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉक नेक्स्ट क्या है आपका जब डिफ्लेक्शन टॉक लगा है इसके ऑपोजिट में भी आपका टॉर्क लगेगा ठीक है तो दिस इज योर कंट्रोलिंग टॉक दैट इज टी सी अब देखते हैं आगे क्या यहाँ पे क्या हुआ अब आपका टी डी हम इस वाले कंट्रोल वेट को ऊपर ले गए यहां पर ग्रेविटी कंट्रोल में, ग्रेविटी कंट्रोल है ऑब्वियसली इसमें यूज होगी आपकी तो जब कंट्रोल वेट को आप ऊपर ले गए यहां पर अब इसके बाद आपने इसे रिमूव करा ठीक है तो इट मीन ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा तो जब नीचे आएगा सपोज यहां पहुंचा यहां पहुंचने के बाद आप इसका कंट्रोल वेट का डायग्राम बना सकते हैं ठीक है ये बन गया अब क्या होगा यहां पर आपका वेट लग रहा है हमेशा नीचे डाउनवर्ड वेट लग जाएगा ठीक है जब वेट लग रहा है तो यहां पर आप कंपोनेंट बना सकते हैं ये बन गया कंपोनेंट वेट को मैं डिनोट करती हूं डब्ल्यू से दैट इज डब्ल्यू थीटा इसके कंपोनेंट और यहां पर कंपोनेंट बन जाएगा W साइन थीटा डब्ल्यू इज योर वेट ठीक है अब हम देखते हैं तो ये कंट्रोलिंग टॉक कंट्रोलिंग टॉक किसकी वजह से जो ये बैक आ रहा है यहां से अगर हमने छोड़ा तो कंट्रोलिंग वेट नीचे जा रहा है तो वेट किसकी वजह से जा रहा है क्योंकि यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है w, तो डिस्टेंस क्या, तो क्या है आपकी यहां पे हमने एज्यूम करा कि एल इज योर डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा फोर्स आपको पता है फोर्स क्या है आपका फोर्स कितना लग रहा है डब्ल्यू साइन थीटा दैट इज ये तो यह हुआ डब्ल्यू साइन थी कितना है दट इज एल तो यहां हो गया एल इसे आप लिख सकते हो डब्ल्यू एल साइन थी और हम यहां पर कंट्रोलिंग टॉक है तो हम इसे टाउसी से या टीसी या टाउसी कुछ भी लिख लीजिए उससे डिनोट कर सकते हैं यहां पर मैंने लिख दिया टीसी दैट इज योलिंग टॉर्क अब क्या हुआ अब आप यहां से देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थी टी सी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के एक इक्वेशन मिल गई ठीक है अब थिंग इज आप एज्यूम टीडी एज्यूम टी डी दैट इज योर डिफ्लेक्शन टॉक एज्यूम टी डी इज प्रोपोर्शनल टू आई टी डी हमारा प्रोपोर्शनल है ठीक है तो क्या हो जाएगा इन दिस केस तो इज प्रोपोर्शनल टू आई इसके बाद क्या हो जाएगा आपका तो अगर आपका टीडी प्रोपोर्शनल टू आई है ठीक है और हमें पता है कि टीसी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा तो स्टेडी स्टेट पोजीशन पे एट स्टेडी स्टेट पोजीशन आपको पता है कि टीसी इक्वल टू टीडी होता है ठीक है तो यहां से आप कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा

तो हमने ये लंबी चौड़ी ये क्यों हमने डेरिवेशन करी इससे हमें क्या पता चलता है इससे आपको पता चलता है इस इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि आपका जो स्केल है दैट इज यूनिफॉर्म कैसे पता चला आपको स्केल आपका यूनिफॉर्म सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्केल जो आपको मिला स्केल क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म या फिर आप कहें नॉन लीनियर और यू कैन से क्रामड दिखने रहा है नॉन यूनिफॉर्म नॉन लीनियर और वी कैन से क्रामड ठीक है जब आपका टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है देन ओनली यू गॉट दी यूनिफॉर्म uh, स्केल तब आपको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है तब आपको आपका यूनिफॉर्म स्केल मिलता है और जिस यूनिफॉर्म स्केल से आपकी कैलिब्रेशन ईजी होती है लेकिन इस केस में आपका क्या होता है कि टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है तो साइन से आपको क्या पता चला कि आपका जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल आप यूज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्केल का मतलब है कि अगर यहाँ जीरो है यहाँ वन होगा यहां पर फोर यहां पर 6, 16, और इस तरीके से आ गई थर्टी ट्वेंटी इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्केल है स्केल आप दूसरी जगह भी कह सकते हैं जैसे कि अगर आपके दो पैरामीटर का मल्टीप्लाई हो रहा देन ऑल्सो यू गॉट दी कौन सा स्केल मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म स्केल अगर दो पैरामीटर्स के स्क्वायर हो तभी भी आपको नॉन यूनिफॉर्म स्केल मिलेगा ठीक है तो सिर्फ आपको कब आपको यूनिफॉर्म स्केल मिलेगा जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो थीटा आता है तो इस केस में आपका क्या है साइन थीटा है दैट इज वाई आपको मिला नॉन यूनिफॉर्म स्केल जिसको हम कहते हैं क्राम्प स्केल ठीक है तो चलिए आप भी क्लास हम यहीं खत्म करते हैं तो आज का टॉपिक अभी यहीं खत्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे आपका स्प्रिंग कंट्रोल मकैनिज्म कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच Subscribe to Successes and press the bell icon to get all the latest videos.